एनवायरमेंट के करंट के टॉपिक ले रही हूँ। इसमें आपका पहला जो टॉपिक है, तो आपकी जो पहला केंद्र पाड़ा जो भेड़ है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जो केंद्र पाड़ा भेड़ है, तो इसको यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है रेयर एंड सिंगुलर स्पीसीज का टैग दिया गया है। ओके, और सेकेंड इसमें क्या है कि इसके पास एक रेयर जेनेटिक ट्रेट जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं, जो कि इसके मल्टीपल बर्थ सिंड्रोम के लिए जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। फिर ये आपकी जो है एक थ्रेटेंड ब्रीड शिप है, जो कि मेनली कहाँ पाई जाती है, मेनली ओनली मेनली नहीं सॉरी ओनली कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। किस कहाँ? ओडिशा के जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा रीजन में पाई जाती है। तो यहाँ पास ओनली है, इसको प्लीज आप केयरफुली ध्यान रखिएगा कि ओनली ये इन्हीं रीजन में पाई जाती है। और इसे जो है कुजी मेधा भेड़ भी कहते हैं। और ये जो केंद्रपाड़ा भेड़ है मेनली ये किसके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका केरला बर्ड एटलस प्रोजेक्ट हो गया, तो केरला बर्ड एटलस प्रोजेक्ट जो है ये जो है आपके जो सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू इसको लाया गया है। और ये जो बर्ड प्रोजेक्ट है, तो ये देश के सभी राज्यों में पक्षी वितरण को क्या करेगा, बर्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको क्या करेगा, ये मैपिंग करेगा। और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी राज्य में किसी राज्य के पूरे एरिया में जो है पक्षियों का जो वितरण है उसको क्या किया गया है, मैपिंग किया गया। और इसके पहले जो है एक बार और प्रयास किया गया था, कहाँ? मैसूर में किया गया था। ओके, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोग्राम जो है कहाँ, वेमनंद जो है वायनाड जो जिला है कहाँ, तो वहाँ पास इसको केरला में, तो वहाँ पास इस प्रोग्राम को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और ये जो है केंद्र, और फिर इसके बाद जो है ये केरला को जो है एक डिस्टिंक्शन भी मिला हुआ है, सिक्स बर्ड की मॉनिटरिंग स्कीम का जो है एक डिस्टिंक्शन भी केरला को मिल चुका है। तो ओके, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपकी एक सीवेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये जो सीवेट्स होता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक क्या है, एल्गी होती हैं। और इनका यूज क्या किया जाता है, इनका यूज ड्रग और जो गाइटर ट्रीटमेंट होता है उसमें इनका यूज किया जाता है। ये मेनली कहाँ, शॉलो वाटर में ही ये इनका ग्रो होता है। और ये जो होती हैं ये पॉल्यूशन की इंडिकेटर होती हैं। तो आपकी सीवेट्स हो गई। ओके, ये भी करेंट में थी। नेक्स्ट आपका हो गया, तो नेक्स्ट आपका जो है जिराफ के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी जो अभी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी डिक्लाइन हो रही है, तो इसलिए करंट में काफ़ी ज़्यादा था। तो जो जिराफ है, तो ये साइलेंट जो एक्सटेंशन को इस टाइम पे फेस कर रहा है, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। और इसकी जो नाइन सब स्पीसीज हैं जिराफ की, उनको रिकोगनाइज किया गया है करेंटली अभी। और ये जो जिराफ है, इसकी जो है अभी लास्ट 30 ईयर्स में इसकी जो है 40% जो है इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। और ये जो मेनली इसकी पॉपुलेशन जो है जिराफ की स्केटर्ड और फ्रेगमेंटेड होती है इसकी जो पॉपुलेशन होती है। और जो मेनली स्पीसीज जो ये जो स्पीसीज है क्या है, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल है। जिराफ जो है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल है। और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली साउथर्न और जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पास ये मेनली क्या होते हैं, जिराफ जो है पाए जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने यहाँ पास क्या डिस्कस किया। और इसके बारे में आप कुछ जो आपका आइवोरी के बारे में मैं आपको बताना चाहती, जो कि मैंने अपने एक लेक्चर में आपको बोला था कि उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो आइवरी होते हैं उसका मेनली जो है चीन ने अभी क्या किया गया है कि उनके ट्रेड को क्या किया है, बैन किया है। चीन ने आइवरी के ट्रेड को बैन किया है। और इसमें जो क्या, और इसमें मेन जो आइवरी कहाँ से आती थी, जो मेन जो आइवरी होती थी तो वो अफ्रीकन एलिफेंट की जो होती थी वहाँ से मेनली आती थी। और इसमें जो चीन जो है उसका आइवरी का जो है सबसे बड़ा मार्केट भी है, और उसने अभी उसके ट्रेड को क्या किया है, बैन भी किया है। और प्लस हमारी जो एक मैमथ आइवरी थी, तो मैमथ आइवरी जो कि फॉसिल्स के की होती है, तो उसे मैमथ आइवरी कहते हैं। और ये जो आइवरी होती है जो लीगल होती है, इसके ये इनलीगल ट्रेडिंग नहीं होती है, लीगल ट्रेडिंग होती है। और इसको केवल एक इंडिया ही ऐसा देश है जो कि मैमथ आइवरी को क्या किया है, बैन किया हुआ है। ओके, तो ये आइवरी के बारे में कुछ डिस्कशन इंपॉर्टेंट जो थे पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू फ्रेंड।